फेस ग्लो सीरम बनाने के लिए मैंने एलोवेरा जेल लिया है और आमंड ऑयल। ग्लिसरीन और रोज वाटर, बस यही 4 इंग्रेडिएंट्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो हम एक बाउल ले लेते हैं और सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इसकी क्वांटिटी 1 स्पून रखी है। सभी चीज़ों को हमें एक एक स्पून ही लेना है, मतलब सभी को हमें बराबर क्वांटिटी में यूज़ करना है। एलोवेरा फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है और ग्लिसरीन आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाकर रखती है, और जो हम आमंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं उससे हमारी स्किन काफ़ी ग्लो करेगी और इसमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर भी होती है, और रोज़ वाटर तो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश कर देते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं सब इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ किया है। आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। और अब ये रेडी है, इसको हम एक बॉटल में फिल करके रख लेंगे, आगे भी इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स हम सभी के घर में रहते हैं तो इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इसको बनाइए और ट्राई करके देखिए, आप इसको बार बार यूज़ करेंगे। चलिए अब मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। हमें बस इसकी एक ड्रॉप लेनी है, मैं अपने हैंड पर कर रही हूँ, इसको आप फेस पर अप्लाई कीजिएगा। इसको हमें अच्छे से अपनी स्किन में मर्ज कर लेना है, और देखिए हमारी स्किन कितना ग्लो कर रही है। इसको रोज रात में सोते समय आप अप्लाई कीजिए और कुछ ही दिनों में आप अपनी स्किन पर अच्छा फर्क देखेंगे। मैं इसको डेली रात में सोते समय लगाती हूँ। आप भी इसको एक बार बनाइए और ट्राई करके देखिए। इसको हम आराम से 1-1.5 महीने तक रख सकते हैं। इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाकर यूज़ करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो आप उसके जगह पर कोई भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।